हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ज़बरदस्त शो के बारे में बात करने वाला हूँ जो बहुत ही सक्सेसफुल है और 41 देशों में चल रहा है। एंटरप्रेन्योर के लिए वरदान साबित हुए शार्क टैंक की बात कर रहा हूँ। शार्क टैंक इंडिया भी लॉन्च हो गया है, लेकिन शार्क टैंक इंडिया में कौन सी 7 शार्क है उसके बारे में जानेंगे, उनकी थोड़ी एजुकेशन डिटेल के बारे में जानेंगे और कौन से स्टार्टअप है उसके बारे में भी जानेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। सबसे पहले जो शार्क से मुलाकात करेंगे उसका नाम है अनुपम मित्तल। अनुपम मित्तल शादी.com के फाउंडर हैं। उनसे पहले उन्होंने सगाई.com करके जो एंटरप्रेनर है वो निकाला था। अब शादी.com कितना सक्सेसफुल है वो तो हम सब जानते ही हैं। तो नेटवर्क है वो 185 करोड़ के आसपास है। अगर एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने यूएसए बोस्टन यूनिवर्सिटी से MBA किया। शार्क टैंक के दूसरे शार्क की बात करें तो जिनका नाम है गजल अवध, इन्होंने ममा आर्ट करके कंपनी है वो शुरू की है। उनको वो को फाउंडर है और उन्होंने उसमें बहुत ही अच्छा खासा रेवेन्यू कमाया है। पास बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिग्री है, उनके साथ साथ मॉडर्न आर्ट और कई सारे डिग्रियाँ उनके पास अवेलेबल है। शार्क नंबर 3 की बात करें तो वो है विनीता सिंह। विनीता सिंह शुगर कॉस्मेटिक की फाउंड है और शुगर कॉस्मेटिक में उन्होंने बहुत ही अच्छा अपना नाम कमाया है। उनकी नेटवर्क बताया तो 60 करोड़ के आसपास है। उन्होंने विनीता सिंह ने अपने कॉलेज शिक्षा दिल्ली के पब्लिक स्कूल से ख़त्म की और उसके बाद उन्होंने IIM मद्रास से डिग्री हासिल की है और IIM अहमदाबाद से पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि मास्टर डिग्री हासिल की है। शार्क नंबर 3 की बात करें तो वह है पीयूष बंसल। पीयूष बंसल लेंसकार्ट करके एक कंपनी है, उनके फाउंडर हैं। लेंसकार्ट जो हम जानते हैं चश्मे बनाते हैं, बहुत ही अच्छी कंपनी है। उनकी जो नेटवर्थ है वो 600 करोड़ के आसपास बताई जा रही है और पीयूष ने स्कूली शिक्षा डॉन बॉस्को स्कूल से ख़त्म की और कैनेडा की मैक्यूल यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया। बेंगलुरु से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी IIM से उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप की डिग्री हासिल की और बहुत ही सक्सेसफुल है। उन्होंने USA में माइक्रोसॉफ्ट में भी कुछ काम किया था, उसके बाद वो भारत लौटे और उन्होंने कंपनी बनाई लेंसकार्ट। अगले शार्क की बात करें तो वो है अमन गुप्ता। अमन गुप्ता बोट के को फाउंडर, कुछ याद आ रहा है बोट, वो जो हेडफोन वगैरह और स्मार्ट वॉचेस बनाती है उसके बारे में बात कर रहा है। बोट के फाउंडर है अमन गुप्ता, उसकी नेटवर्क बताई जा रही है 700 करोड़ के आसपास। उन्होंने दिल्ली के पब्लिक स्कूल से अपना स्कूली शिक्षा खत्म की है। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ बिजनेस में अपनी डिग्री कंप्लीट। आगे की बात करें तो उन्होंने स्कूल और बिजनेस मैनेजमेंट से MBA कंप्लीट, साथ ही उन्होंने कैलेज यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट USA से जनरल मैनेजमेंट इन मार्केटिंग MBA भी किया है और बहुत ही सफल इन्वेस्टर और को फाउंडर रहे। अगले शार्क की बात करें तो है निमिता थापर। निमिता थापर ने एमक्योर के फार्मास्यूटिकल कंपनी में बहुत ही अच्छा नाम कमाया है और उनकी को फाउंडर है। इनका नेटवर्क कम से 600 करोड़ आसपास बताया जा रहा है। इन्होंने अपनी शिक्षा ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटर ऑफ इंडिया में पूरी की है। इसके अलावा उन्होंने स्कूल ऑफ बिजनेस से MBA भी किया है। अभी वो सफल इन्वेस्टर और बिजनेस एंटरप्रेनर है। अगले शार्क की यानी कि शार्क नंबर 7 की हम बात करें तो ऑस्टिन ग्रोवर, वो भारत के फाउंडर है। भारत के जो कोड स्कैन के वगैरह काम आते हैं, जो PTM हमारी मेक इन इंडिया कंपनी उसके बारे में बात कर रहा हूँ। उनकी नेटवर्क कम 700 करोड़ रुपए बताई जा रही है। उन्होंने ऑस्टिन ने IIT दिल्ली से BTech की डिग्री हासिल की है, जिन्हें फ्रांस की यूनिवर्सिटी ऑफ लिंसा यूनिवर्सिटी एक्सचेंज यूनिवर्सिटी में चुना गया था। लगभग 6 स्टूडेंट को चुना गया था, 6 स्टूडेंट में ऑस्टिन ग्रोवर एक थे और उन्होंने IIM अहमदाबाद से MBA की डिग्री हासिल की। ये थे 7 शार्क। दोस्तों एंटरप्रेन्योर के बारे में ये शो हमारे इंडिया का गेम चेंजर होने वाला है। बहुत ही ज़बरदस्त, इसके बारे में जानकारी लीजिए और इसके शो को देखिए, तभी आपके एंटरप्रेन्योरशिप आएगी। भारत का भविष्य सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप में ज़्यादा है। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर इस शो को फॉलो कर सकते हैं और अगर आप इस तरह के ज़्यादा वीडियो चाहिए तो कमेंट भी ज़रूर बताइएगा और चैनल सब्सक्राइब करके बेल दबाइए ताकि हमें पता चले और हमारा मोटिवेशन कांस्टेंट बना रहे। कैसा लगा आपको वीडियो? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।